हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिक्किम की राजधानी गंगटोक के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम गंगटोक कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे वहां पहुंच सकते हैं, कहां रुक सकते हैं, गंगटोक में खाने पीने की क्या व्यवस्था है और सबसे अच्छा समय कौन सा है गंगटोक विजिट के लिए, और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि गंगटोक विजिट के लिए कुल खर्चा कितना आ सकता है। तो अगर आप सिक्किम या इसके आसपास की जगहों पर ट्रेवल करने जा रहे हैं तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो में गंगटोक सिक्किम को लेकर आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ट्रेवल ट्रैकर यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबाएं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं गंगटोक कैसे पहुंचे। तो गंगटोक पहुंचने के आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ट्रेन और दूसरा एयरप्लेन द्वारा। पहले बात करते हैं ट्रेन द्वारा। गंगटोक का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन जो है वो है न्यू जलपाईगुड़ी। इंडिया के मेन सिटीज के अलावा न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन कई छोटे शहरों से भी जुड़ा हुआ है। न्यू जलपाईगुड़ी से गंगटोक की दूरी 120 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से गंगटोक पहुंचने के लिए आप 120 किलोमीटर की इस दूरी को तीन तरह से कवर कर सकते हैं। पहला, प्राइवेट टैक्सी बुक करके, जिसका किराया 4,500 रुपए है और टैक्सी से लगभग 5 घंटे में आप गंगटोक पहुंच जाएंगे। दूसरा, शेयरिंग टैक्सी द्वारा, यानी कि आप शेयरिंग टैक्सी से भी जा सकते हैं, जिसका किराया प्रति व्यक्ति लगभग 400 रुपए होता है। सबसे सस्ते विकल्प के लिए आपको रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी बस स्टैंड तक जाना है, फिर वहां से बस पकड़कर आप गंगटोक पहुंच सकते हैं। यहां बस का किराया लगभग 100 से 120 रुपए के बीच है और बस द्वारा गंगटोक पहुंचने में भी आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ ट्रेन द्वारा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपका फ्लाइट का। गंगटोक का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट बागडोगरा एयरपोर्ट है। यह एयरपोर्ट गंगटोक से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से आप प्राइवेट टैक्सी या शेयरिंग टैक्सी द्वारा भी लगभग 5 घंटे के सफर के बाद गंगटोक पहुंच सकते हैं। यहां शेयरिंग टैक्सी का किराया लगभग 500 रुपए और अगर प्राइवेट टैक्सी बुक करके गंगटोक जाते हैं तो किराया आपको 3,500 से 4,000 रुपए पड़ेगा। दोस्तों, गंगटोक पहुंचने के बाद बात करें रुकने की, तो आप गंगटोक के सबसे फेमस प्लेस जिसे एमजी मार्ग भी कहा जाता है, वहां रूम ले सकते हैं। एक तरह से एमजी मार्ग गंगटोक का माल रोड है। यहां आपको शॉपिंग के लिए ढेर सारे शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और होटल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन गंगटोक का मेन प्लेस होने के कारण यहां आपको थोड़े महंगे रूम्स मिलेंगे, जिनका एक दिन का रेंट लगभग 1,500 रुपए से शुरू होकर 6,000-7,000 रुपए तक देखने को मिलेगा, जिन्हें आप ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े कम बजट में रूम लेना चाहते हैं तो एमजी रोड से 2-3 किलोमीटर हटकर रूम ले सकते हैं। यहां आपको अच्छे होटल्स के साथ साथ कम रेंज में अच्छी सर्विस के साथ होटल मिल जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं गंगटोक में घूमने के सबसे अच्छे समय के बारे में। तो गंगटोक का मौसम साल भर अच्छा रहता है और आप साल में किसी भी समय यहां विजिट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको स्नो पसंद है तो आप विंटर्स में दिसंबर से फरवरी के बीच यहां आ सकते हैं, और गर्मियों के सीजन में यहां की ग्रीनरी और नेचुरल एनवायरनमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं तो मार्च से जून तक यहां विजिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपनी ट्रिप कम भीड़ में और कम खर्चे में पूरा करना चाहते हैं तो पीक सीजन को छोड़कर आप सितंबर से फरवरी के बीच यहां विजिट कर सकते हैं, क्योंकि समर्स में पीक सीजन होने के कारण यहां लगभग हर चीज के रेट्स काफी हाई मिलते हैं, फिर चाहे वह होटल्स हों, टैक्सी हों या फिर खाने पीने की चीजें हों। इसलिए अपने बजट और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग समय का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं गंगटोक और इसके आसपास घूमने के मुख्य टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि हमें कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए गंगटोक और सिक्किम घूमने के लिए। दोस्तों, गंगटोक, सिक्किम और इसके आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए आपको कम से कम 5 दिनों का ट्रिप प्लान करना चाहिए, क्योंकि इन 5 दिनों में ही गंगटोक, सिक्किम और इसके आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। दोस्तों, अब बात करेंगे पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक कहां कहां घूम सकते हैं, साथ ही यह भी जानेंगे कि पहले आपको कौन कौन से प्लेसेस कवर करने चाहिए और कौन कौन से बाद में। तो पहले दिन आप गंगटोक के एमजी रोड के पास से ही टैक्सी बुक करके वहां के लोकल प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं, जिसमें टैक्सी वाला 2,000 से 2,500 रुपए में सभी प्लेसेस को आपको घुमा देगा, जिनमें आप कवर कर सकते हैं। नंबर 1, तासी व्यू पॉइंट। यह गंगटोक से 8 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐसी शानदार जगह है जहां से कंचनजंगा माउंटेन्स का नजारा देखने को मिलता है। तासी व्यू पॉइंट से आप स्नो कवर्ड हिमालयन माउंटेन्स के ब्यूटीफुल व्यूज देख सकते हैं। नंबर 2, हनुमान टॉक। यह गंगटोक का फेमस हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहां से सनराइज का बेहद ही खूबसूरत व्यू दिखाई देता है, इसलिए सनराइज का नजारा देखने के लिए टूरिस्ट सुबह 5 बजे से ही पहले यहां पहुंच जाते हैं।
नंबर 3 बनझाकरी वाटरफॉल, यह गंगटोक से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यह झरना लगभग 40 फीट की चट्टानी ऊंचाई से गिरता है। इस वाटरफॉल के आसपास ही एनर्जी पार्क भी टूरिस्टों के लिए एक मेन अट्रैक्शन है, जहां आप विजिट कर सकते हैं। नंबर 4 गणेश टॉक। दोस्तों, यह भगवान श्री गणेश का एक छोटा मंदिर है जो एक पहाड़ी पर स्थित है और गंगटोक का बेहद फेमस टूरिस्ट प्लेस है। गणेश टॉक मंदिर से बहुत ही खूबसूरत व्यूज देखने को मिलते हैं। कंचनजंगा रेंज को भी यहां से देखा जा सकता है। नंबर 5 गंगटोक रोपवे। गंगटोक में केबल कार रोपवे भी गंगटोक का मेन अट्रैक्शन है। रोपवे राइड से आपको गंगटोक शहर के ऊपर से ब्यूटीफुल व्यूज देखने को मिलते हैं, जहां से पूरे गंगटोक के खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ कंचनजंगा और घाटियों के अमेजिंग व्यूज का आनंद ले सकते हैं। इस रोपवे राइड का किराया 120 रुपये पर पर्सन लिया जाता है। नंबर 6 बुद्ध स्तूपा। गंगटोक के सबसे फेमस स्तूपों में से एक है बुद्ध स्तूपा, जिसे द डुल चॉटरेन के नाम से जाना जाता है। यह जगह उन लोगों के लिए विचित्र है जो पहाड़ी इलाकों में शांति चाहते हैं। यहाँ 108 प्रार्थना चक्र हैं, जिन्हें घुमाकर जाप किया जाता है। दोस्तों, पहले दिन लोकल प्लेसेस को घूमने के बाद दूसरे दिन आप कई और फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को घूम सकते हैं, जिनमें सबसे पहले गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर दूर नाथुला पास जा सकते हैं। दोस्तों, नाथुला पास एक ऐसी जगह है जिसे आप गंगटोक ट्रिप के दौरान कभी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि यह इंडिया चाइना बॉर्डर पर है। लेकिन नाथुला पास के लिए आपको एक परमिट की आवश्यकता होती है। इस परमिट को आप गंगटोक में ही आसानी से निकलवा सकते हैं, लेकिन अगर आप नाथुला पास टैक्सी बुक करके जाते हैं तो टैक्सी वाले के पैकेज में ये परमिट इंक्लूड होता है। इसके बाद आप चांगू लेक, जो कि गंगटोक से करीब 40 किलोमीटर और नाथुला पास से केवल 17 किलोमीटर की दूरी पर है, चांगू लेक में आप याक राइडिंग का लुत्फ भी ले सकते हैं। नाथुला पास आते जाते हुए आप इस झील को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स जा सकते हैं, जो कि लाचुंग जाने वाले रास्ते पर पड़ता है। जैसा कि दोस्तों इसके नाम से ही समझ आता है कि सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स में 7 अलग अलग झरने शामिल हैं, जो एक बड़ी चट्टान पर 7 झरने एक दूसरे के आसपास ही स्थित हैं, जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई भी देते हैं। मानसून के समय यह झरना और भी ज्यादा सुंदर दिखाई देता है, जो यहां आने वाले पर्यटकों को काफी अट्रैक्ट करता है। साथ ही साथ आप बाबा हरभजन सिंह मंदिर भी घूमने जा सकते हैं। यह मंदिर गंगटोक से नाथुला जाने वाले रास्ते पर पड़ता है और नाथुला पास के बेहद करीब है। यह मंदिर शहीद भारतीय सैनिक हरभजन सिंह की समाधि पर बनाया गया है। दोस्तों, दूसरे दिन के बाद अगले 2-3 दिन आप लाचेन, लाचुंग, युमथांग वैली और गुरु डोंगमार लेक, इन स्थानों पर घूमने के लिए लग सकते हैं। आप गुरु डोंगमार लेक को छोड़कर बाकी लाचेन, लाचुंग और युमथांग वैली को लाचुंग में एक दिन का स्टे करने के दौरान घूम सकते हैं। लाचुंग गंगटोक से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। गंगटोक का यह रास्ता 5 घंटे में तय किया जा सकता है, लेकिन गंगटोक से लाचुंग आते आते बीच में पड़ने वाले छोटे बड़े वाटरफॉल्स के साथ साथ कुछ टूरिस्ट प्लेसेस को भी विजिट करते हुए आते हैं, इसलिए लाचुंग तक पहुंचने में 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। लाचुंग से युमथांग वैली 25 किलोमीटर दूर है। इस वैली में आप अनगिनत फूलों की प्रजातियों को देख सकते हैं, इसलिए इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों आप लाचेन से लगभग 66 किलोमीटर की दूरी पर और 5,430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुरु डोंगमार लेक झील घूमने जा सकते हैं। यह चीन बॉर्डर से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। ठंड के मौसम में दिसंबर से फरवरी के बीच यह झील पूरी तरह से जम जाती है। इसके अलावा दोस्तों आप जीरो पॉइंट पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, इन सभी प्लेसेस को विजिट करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आप सिक्किम की राजधानी गंगटोक से टूर पैकेज ले सकते हैं, जिसमें आपका घूमना फिरना, आना जाना, होटल में रुकना और खाना शामिल होता है। इसके अलावा आप प्राइवेट टैक्सी की भी सुविधा ले सकते हैं और फिर अपने टूर प्लान और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रुकते हुए जा सकते हैं। दोस्तों, बात करें गंगटोक में खाने पीने की, तो खाने में भी यहां आपको लगभग सभी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे वेज, नॉन वेज, नॉर्थ इंडियन या फिर साउथ इंडियन, सभी तरह का फूड आपको यहां मिल जाएगा। और बात करें खाने की कॉस्ट की, तो एक थाली के लिए आपको यहां 200 से 250 रुपए की एक नॉर्मल रेंज देखने को मिलेगी। अब अगर बात करें गंगटोक टूर के दौरान बजट कॉस्ट की, तो इस ट्रिप पर आपको एक व्यक्ति का खर्चा लगभग 15,000 से 20,000 रुपए आ जाता है। तो दोस्तों, ये थी गंगटोक के बारे में पूरी जानकारी। इसके अलावा आपका गंगटोक ट्रिप को लेकर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।